हेलो एवरीबॉडी सो एज़ ऑल ऑफ यू नो दैट स्टोरी राइटिंग इज़ नॉट इन सिलेबस नाउ स्टोरी राइटिंग की जगह एनालिटिकल पैराग्राफ सिलेबस में है नाउ व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ एनालिटिकल पैराग्राफ पहली बार सिलेबस में आया है एंड उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं ये ज़्यादा आप लोग को इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा ज़्यादा यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिलेंगे तो आज के वीडियो में मैं ए टू जेड डिस्कस करूँगी एनालिटिकल पैराग्राफ की मार्किंग स्कीम उसको किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है क्या होते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ Uh, किस तरीके से आप लोग को लिखना होता है ताकि आप लोग को फुल टेन में से टेन मार्क्स मिले इट्स अ वेरी न्यू थिंग क्योंकि आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में भी ये नहीं करी एंड क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने नहीं करी उसके बाद क्लास टेंथ के बोर्ड्स में आएगी तो यू नीड टू मेक श्योर कि इस चीज़ की आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें ओके सो आई एम मेकिंग श्योर कि अगर आप लोग आज का पूरा वीडियो देखते हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ में आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टोरी राइटिंग की जगह एनालिटिकल पैराग्राफ का आएगा नाउ वट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ पैराग्राफे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को डेटा दे दिया डेटा ये दिया कि 2012 में इतना पोल्यूशन था 2013 में इतना पोल्यूशन था 14 में इतना था 15 में इतना था 2012 से लेकर 2020 तक का डेटा दे दिया कि दिल्ली में 2012 से लेकर 2020 तक पोल्यूशन लेवल्स कितने 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 बढ़े ठीक है इस तरीके से आप लोग को ग्राफ दे दिया ठीक है लेट मी ड्रॉ एंड देन एक्सप्लेन यू ओके सो इस तरीके से ग्राफ दे दिया दिस दीज आर दॉल्यूशन लेवल ठीक है दीज आर दी पॉल्यूशन लेवल्स ओके तो इस तरीके से ग्राफ दे दिया कि पहले इतना था फिर इतना था फिर कुछ स्टेप्स लिए तो कम हो गया फिर बढ़ गया ठीक है इस तरीके से पोल्यूशन लेवल का ग्राफ दे दिया ठीक है इस पर आप लोग को एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है ठीक है ये एक एग्जाम्पल है एनालिटिकल पैराग्राफ का उसी तरीके से आप लोग को मैप दे सकते हैं ठीक है एज ऑल ऑफ यू नो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है कोविड नाइन्टीन दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़ टू अभी चल रही है तो कोरोना वायरस सिचुएशन है एंड ये एक मैप है जिसके अंदर बता रखा है कि कौन से कौन से एरियाज़ में कितने कितने केसेस uh, आ चुके हैं कोरोना वायरस के ओके सो एज़ यू कैन सी हियर कि चाइना चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं और अगर आप लोग देखेंगे जो भी डार्क ब्राउन कलर है डार्क ब्राउन कलर में मोर देन थाउजेंड केसेस है मतलब यहाँ पर इटली में मोर देन थाउजेंड केसेस हैं ईरान में मोर देन थाउजेंड केसेस हैं ठीक है थीके? और जो भी यहाँ पर सिल्वर एरिया है वहाँ पर देयर इज नो कन्फर्म केसेस ओके और जो भी इस कलर का है ठीक uh, है वहाँ पर फाइव से बीच में फाइव के बीच सॉरी फाइव और थाउजेंड के बीच में केसेज है ओके सो दिस इज़ अ मैप इसका एनालिसिस करने के लिए दे सकते हैं आप लोग को उसके अलावा एज़ यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन ठीक है ये एक रिपोर्ट है सॉल्यूशन पे ठीक है इसका एनालिसिस करके कुछ पैराग्राफ लिखने को बोल सकते हैं आपको ओके उसके अलावा एज यू कैन सी दैट दिस इज द पाई चार्ट ठीक है ये सेल्स का पाई चार्ट है कि भाई सोनी कंपनी ने कितनी सेल्स की सैमसंग कंपनी ने कितनी सेल्स की lg ने कितनी सेल्स की और whirlpool ने कितनी सेल्स की ओके ना दिस इज़ अ ग्राफ इसके अंदर बता रखा है कि कितने ईयर्स में वॉयलेंस कितना बड़ा है ठीक है तो 1919 में 1990 में इतना वॉयलेंस था 1995 में इतना वॉयलेंस था ठीक है और नाइन्टीन uh, नाइन्टी में 2.5 पॉइंट uh, फाइव लेवल था वॉयलेंस का मतलब कि 1990 में इतने लोग वॉयलेंस से मरे थे ठीक है उसके बाद 1995 में इतने लोग मरे थे 2000 में इतने लोग मरे थे ठीक है 2005 में इतने लोग वायलेंट से मरे थे और 2010 में इतने लोग वॉयेंट से मरे थे ठीक है सो so, उस उसको आप लोग को पूरा इंटरप्रेट करके लिखना है ठीक है उसके अलावा राइट इट्स इंटरप्रिटेशन इन हंड्रेड वर्ड्स ऑन हाउ एडुकेटेड यूथ कैन प्ले अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन द सोसाइटी ठीक है सो so, इस तरीके से यू कैन सी सेवरल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नाउ हियर ब्लू डिनोट्स इंग्लिश एंड रेड डिनोट्स हिंदी ठीक है ब्लू डिनोट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड रेड डिनोट्स हिंदी लैंग्वेज ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स में और के में कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चे इंग्लिश uh, बोलते हैं और इतने ज़्यादा बच्चे हिंदी बोलते हैं दैट इज़ अराउंड थर्टी नाइन बच्चे हिंदी बोलते हैं और ट्वेल्व uh, बच्चे uh, इंग्लिश बोलते हैं ठीक है उसके अलावा प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंग्लिश बोलते हैं दैट इज़ अराउंड थर्टी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और बहुत कम बच्चे हिंदी बोलते हैं ठीक है और अगर के की बात करें तो उसका रेशियो ये है ठीक है तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट एनालिटिकल पैराग्राफ में यही होना चाहिए कि आप लोग को एनालिसिस करना आना चाहिए दैट इज़ जो भी मैप चार्ट रिपोर्ट या फिर ग्राफ आपको दिया हुआ हो ठीक है अभी मैंने आप लोग को चार चीज़ें बताई ठीक है आप लोग के एग्ज़ाम में भी चार चीज़ें आएंगी चार चीज़ों में से कुछ भी ऑप्शन आ सकता है ठीक है मैप चार्ट रिपोर्ट एंड लाइन ग्राफ ठीक है सो दिस इज द मैप ये मैंने आप लोग को मैप बता दिया मैप में कैसे आप लोग को देखना है ठीक है ये uh, मैंने एग्जाम्पल लिया मैप में दैट इज कोविड नाइनटीन केसेस का ठीक है मैप मैंने आप लोग को बता दिया ये मैंने आप लोग को रिपोर्ट बता दी इस रिपोर्ट का आप लोग को एनालिसिस करना है ये बेसिकली नॉइस पोल्यूशन पे रिपोर्ट है ठीक है नॉइस पोल्यूशन पे रिपोर्ट है कि नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है नॉइज पॉल्यूशन से किन किन को इम्पैक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड रिपोर्ट है ये आप लोग के एग्जाम में आ जाएगी और आप लोग को इस पर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा इस रिपोर्ट का एनालिसिस करके ठीक है उसके बाद ये चार्ट है ठीक है दिस इज अ पाई चार्ट ठीक है तो मैंने आप लोग को चार्ट का भी एग्जाम्पल दे दिया ठीक है उसके अलावा मैंने आप लोग को ग्राफ का काफ़ी एग्जाम्पल दिए दिस इज दी बायोग्राफ ठीक है दिस इज दायोग्राफ दिस इज द बायोग्राफ ओके सो यहाँ पर बायोग्राफ के अलावा लाइन ग्राफ भी बोले गए हैं ओके नाउ व्हाट इज लाइन ग्राफ ओके सो यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन दिस इज वॉट वी कॉल एज लाइन ग्राफ ठीक है तो आप लोग को पता है कि सल्फर डाईऑक्साइड से एयर पोल्यूशन होता है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग को क्वेश्चन में ये लाइन ग्राफ दे दिया गया आप लोग को बोला गया कि इस लाइन ग्राफ का एनालिसिस करके बताओ कि uh, लास्ट कुछ सालों में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उनका एमिशन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होते जा रहा है ठीक है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लाइन ग्राफ का एनालिसिस कैसे करते हैं आई थिंक अभी आप लोग क्लास टेंथ में है तो आप लोगों ने बेसिक ग्राफ पढ़े होंगे तो यू शुड नो तो देखो यहाँ पर ना से बता रखा है ये uh, मिलियन टोन्स में है ठीक है दैट इज़ 50 मिलियन टोन्स 100 मिलियन टोन्स 150 मिलियन टोन्स एंड 200 मिलियन टोन्स ठीक है सो 1870 में सिर्फ इतना सा सल्फर डाइऑक्साइड का एमेजन होता था ठीक है उसके बाद धीरे धीरे देखो 1917 में सल्फर डा सल्फर डाई का एमेजन जो है वो अराउंड 25 मिलियन टोन्स हो गया और उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी के अगर सॉरी नाइनटीन में था इट इज़ ट्वेंटी मिलियन टोन्स और अगर नाइनटीन की मैं बात करूँ तो नाइनटीन में अराउंड फिफ्टी से भी ऊपर पहुँच गया दैट इज़ अराउंड मिलियन टोन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है ठीक है और उसके बाद अगर बात करें नाइनटीन की तो सबसे ज्यादा दैट इज वन मिलियन टोन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का एमेजन हुआ है तो इस तरीके से लाइन ग्राफ आप लोग को देखने देखने आने चाहिए ठीक है तो आप लोग को पता है कि क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत सारी लंग डिजीजेज़ होती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अस्थमा इस तरीके की लंग डिजीजेज़ बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के इमेजन से होती है तो आप लोग के क्वेश्चन में ये ग्राफ दे दिया गया हो और बोला हो कि भाई इस लाइन ग्राफ का एनालिसिस करके बताओ कि थ्रू आउट दी ईयर्स सल्फर डाइऑक्साइड का इमेजन कितना ज़्यादा बढ़ा है व्हीकल में से और एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं एन्वायरमेंट पे वो अच्छे नहीं हो रहे हैं ठीक है उसके अलावा आप लोग को इस तरीके से कुछ दे दिया जा सकता है दिस इज ऑल्सो अ लाइन ग्राफ ठीक है तो आप यू कैन सी हियर ये बेसिकली कितने मफिन सोल्ड हुए हैं ठीक है कितने मफिन बिके हैं ठीक है सो मंडे को इतने मंडे uh, को अराउंड पाँच मफिन्स बिके हैं ट्यूजडे को छः वेंसडे को वेंसडे uh, को भी अराउंड फाइव मफिन ठीक है उसके बाद अगर बात करें संडे को तो so, संडे को सबसे ज़्यादा दैट इज़ अराउंड फिफ्टीन मफिन्स बिके हैं ठीक है तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है दिस इज़ अबाउट मफिन सोल्ड कि कौन से वीक डे पे कितने मफिन्स बिके हैं ओके सो so, इस तरीके से जितने भी आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ था ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था रिपोर्ट दी हुई थी चार्ट दिया हुआ था ग्राफ दिया हुआ था तो जो भी दिया हुआ था वो मैंने आप लोग को सबको बता दिया है ठीक है मैंने आप लोग को मैप बता दिया कोविड नाइन्टीन का दैट इज़ कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड का मैप बता दिया उसके बाद मैंने आप लोग को पाई चार्ट बता दिया उसके बाद मैंने आप लोग को रिपोर्ट बता दी ठीक है लाइन ग्राफ भी

फॉर्मेट uh, के अंदर क्या आता है सिर्फ हेडिंग ठीक है नॉट राइटर्स नेम फॉर्मेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग आती है ठीक है सो अगर आप लोग को कुछ भी दे रखा हो ठीक है एनालिटिकल पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे लिखना हो तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने उसकी हेडिंग लिख दी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग को बोला हो कि ओके okay, तो अगर आप लोग को बोला हो कि भाई एयर पोल्यूशन पे सल्फर डाइऑक्साइड के एमिजन पे कुछ एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने एक हेडिंग लिख ली तो उसी का आप लोग को एक मार्क्स मिल जाएगा ठीक है क्योंकि फॉर्मेट का एक ही मार्क्स है और फॉर्मेट में सिर्फ आप लोग को हेडिंग लिखनी होती है ठीक है उसके बाद आता है कॉन्टेंट कॉन्टेंट के चार मार्क्स होते हैं ठीक है नाउ वॉट इज कॉन्टेंट ठीक है बहुत सारे बच्चों को समझने में गड़बड़ होती है कि कॉन्टेंट एग्जैक्टली exactly होता क्या है तो कॉन्टेंट में आप लोग को अपने पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ को चार पोर्शन में डिवाइड करना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को चार पैराग्राफ्स में अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को डिवाइड करना होता है जिस भी बच्चे ने चार पैराग्राफ पैराग्राफ में 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 एनालिटिकल को डिवाइड करके लिख दिया उसको कंटेंट फुल चार, फोर में से मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो किस तरीके से आप लोग को पैराग्राफ को डिवाइड करना होता है पॉइंट नंबर वन दैट इज पैराग्राफ नंबर वन आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ लिख रही हूँ या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के एमिजन से रिलेटेड कुछ लिख रही हूँ एयर पोल्यूशन से रिलेटेड लिख रही हूँ तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में दैट इज इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी मैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो सडनली राइज हो गया है क्योंकि पास्ट कुछ सालों से सल्फर डाइऑक्साइड का एमेजन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से काफी सारी डिजीजे हो रही हैं लाइक लंग पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है लोगों को अस्थमा जैसी बहुत गंभीर डिजीजेस हो रही हैं ठीक है तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगी ठीक है सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को मेजर एनालिसिस लिखना है और उस एनालिसिस से रिलेटेड व्यू पॉइंट्स लिखने हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ देखा ठीक है Uh, मैंने ग्राफ देखा सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में मैं मैं, मैं क्या लिखूँगी मैं लिखूंगी कि एटीन नाइनटी में इतने लेवल थे ठीक है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के नाइनटीन नाइनटी 19, नाइनटीन टेन में इतने लेवल्स हो गए ठीक है उसके बाद मैं लिखूँगी उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी में और लेवल्स बढ़ते ही गए सल्फर डाई के ठीक है और उसके बाद मैं लिखूँगी कि भाई नाइनटीन सेवेंटी और नाइनटीन एट्टी के बीच में जो लेवल्स थे वो पीक पर पहुँच गए उसके बाद कुछ स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से जो लेवल्स हैं वो थोड़े डिक्रीज़ हुए ठीक है और उसके बाद थोड़े कम हो गए सल्फर डाई के लेवल्स एटमासफेयर में इस तरीके से सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में मैं पूरा एनालिसिस लिखूंगी जो भी मेजर एनालिसिस होगा मैं फर्स्ट पैराग्राफ से चालू नहीं करूंगी मैं फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखूंगी ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ विल ओनली कंटेन द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द टॉपिक एंड सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ विल कंटेन एनालिसिस एंड योर व्यू पॉइंट्स ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मफिनस पे एनालिसिस लिखना है तो मैं क्या बोलूंगी मैं बोलूंगी कि भाई क्योंकि मंडे और ट्यूजडे स्टार्टिंग डेज होते हैं वीक के तो मंडे uh, और ट्यूज़डे पे इतनी ज़्यादा मफिनस की सेल्स नहीं हुई सेल्स स्टार्ट हुई वेंसडे पे वेंसडे पे uh, फाइव uh, मफिनस uh, बिके ठीक है उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस करके लिखूंगी कि बाकी वीक डेज़ पे जो मफिनस की सेल थी वो बढ़ती ही गई और वीकेंड पे जाके वो मैक्सिमम हो गई ठीक है तो तो इस तरीके से मैं फर्स्ट पैराग्राफ में तो मफिनस का इंट्रोडक्शन दूंगी सेकंड पैराग्राफ में मैं एनालिसिस करके लिखूंगी पूरा सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में ठीक है और फोर्थ पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का राइट सो फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग को मेजरली क्या लिखना होता है कंक्लूजन लिखना होता है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस चीज़ का कंक्लूजन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी कि क्योंकि uh, बहुत यू नो डेंजरस गैस है सल्फर डाइऑक्साइड तो इसलिए फ़िल्टर्स लगाए जाने चाहिए व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज़ में ताकि इस गैस का इमिजन ना हो सके और एयर पोल्यूशन के लेवल कम हो सके ठीक है उसके अलावा मैं लिख दूंगी गवर्नमेंट को रेगुलरली चेक करना चाहिए और कंक्लूजन में यही लिखूंगी कि भाई अगर ढंग से चेक नहीं किया तो जो सल्फर डाइऑक्साइड के इमिजन्स हैं वो बढ़ते ही जाएंगे एटमोसफेयर में और बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपने पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ को चार चार पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिख लिया तो कोई भी आप लोग के कंटेंट के चार मार्क्स नहीं काट सकता ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन सेकंड पैराग्राफ शुड बी एनालिसिस एंड योर व्यू पॉइंट रिलेटेड टू इट सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ शुड बी एनालिसिस एंड योर व्यू पॉइंट रिलेटेड टू इट एंड फोर्थ पैराग्राफ शुड बी कंक्लूजन ओके उसके अलावा अगर बात करें वर्ड्स uh, की तो वन फिफ्टी तो 200 हंड्रेड वर्ड्स में आप लोगों को एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है क्योंकि ये 10 मार्क्स का होता है तो 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स मतलब कि आप लोग मान के चलिए अराउंड आप लोग को 1.5 पॉइंट फाइव पेजेस लिखने हैं ठीक है और चार पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर आप लोग चार पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे तो आप लोग को कॉन्टेंट के पूरे चार मार्क्स मिलेंगे ठीक है वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स में आप लोग को चार पैराग्राफ को डिवाइड करके लिखना है दैट इज़ अराउंड आप लोग की एग्जाम कॉपी का वन पॉइंट फाइव पेजेस आप लोग को लिखने हैं ठीक है उसके अलावा देखो एक मार्क हो गया फॉर्मेट का राइटर्स नेम कुछ नहीं है इधर फॉर्मेट का एक मार्क्स हो गया जिसके अंदर आप लोग को सिर्फ हेडिंग लिखनी होती है कॉन्टेंट के चार मार्क्स हो गए जिसके अंदर आप लोग को अपने पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ को वन टू टू वर्ड्स में लिखना होता है और चार पैराग्राफ्स में डिवाइड करना करके लिखना होता है कैसे डिवाइड करना होता है चार पैराग्राफ्स में वो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया ठीक है उस तो जो बाकी पाँच मार्क्स होते हैं दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2.5 एंड 2.5 ठीक है 2.5 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रेलिवेंट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स ठीक है मैं आप लोग को बता दूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में वन फोर्थ मार्क्स करता है एक स्पेलिंग गलत होने पर ठीक है तो एक्सप्रेशन के होते हैं टू मार्क्स जिसके अंदर आप लोग की ग्रामर चेक की जाती है एक्यूरेसी चेक की जाती है और रेलिवेंट वर्ड्स चेक किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि आप लोग की स्पेलिंग सही है कि नहीं ठीक है उसके अलावा टू पॉइंट मार्क्स होते हैं कंसिस्टेंसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कभी भी आप लोग काफ़ी पैराग्राफ्स में कुछ बड़ा लिखते हैं दैट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ आप लोग को वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स में लिखना होता है तो अगर इस तरीके से कुछ भी कभी भी आप लोग बड़ा लिखते हैं तो क्या चेक किया जाता है उसके अंदर कि जो फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लिखी मैंने लिखा कि भाई सिक्स सेल्स हुई फ्राइडे को ठीक है मैंने ये एक लाइन लिखी ठीक है उसके बाद वाली लाइन इस लाइन से रिलेटेड होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद वाली लाइन में मैंने कुछ और ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया ठीक है सो कंसिस्टेंसी मतलब कि जो सारे सेंटेंसेज हैं वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस के बाद आप कुछ अलग ही जोन में जाके कुछ और ही सेंटेंस लिख रहे हो सारे सेंटेंस और सारे पैराग्राफ्स इंटर रिलेटेड होने चाहिए और लगना चाहिए कि वो सारे सेंटेंस लिंक्ड हैं ठीक है थीके? इस चीज़ के टू मार्क्स होते हैं तो टू मार्क्स होते हैं एक्सप्रेशन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रिलेवेंट वर्ड्स और स्पेलिंग्स के और 2.5 मार्क्स होते हैं कंसिस्टेंसी सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियाज इन स्टाइल के ओके सो दैट इज इट फॉर द मार्किंग स्कीम एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तो देखो फॉर एग्जांपल आप लोग को ये मैप दे दिया ठीक है ये मैप दे दिया और आप लोग को बोला गया कि इस मैप पे एनालिसिस करके एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्नैप की तो ये कोविड नाइन्टीन दैट इज कोविड नाइनटीन दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का मैप है जब corona वायरस डिजीज़ स्टार्टिंग में आई थी तो पूरे वर्ल्ड में कितनी फैल रही थी ये उसका मैप है ठीक है सो यहाँ पर कलर से डिनोट किया गया है दैट इज़ अगर आप लोग को कहीं भी लाइट कलर दिख दिख रहा हो तो वहाँ तो क्या मतलब है कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस उस टाइम पे बहुत कम थे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ यहाँ में बात करूँ ठीक है तो यहाँ पर कोरोना वायरस के डिजीज करोना वायरस डिजीज़ के केसेस बहुत कम थे ठीक है दिस इज़ दी नॉर्थ एशिया राइट चाइना के ऊपर दिस इज़ दी नॉर्थ एशिया तो नॉर्थ एशिया में कोरोना वायरस के डिजीज कोरोना वायरस के पेशेंट्स बहुत कम थे उस टाइम पे ठीक है लेकिन चाइना में सबसे ज़्यादा थे ठीक है उसके अलावा अगर बात करें इटली और ईरान की ठीक है तो इटली और ईरान में मोर देन थाउजेंड केसेस थे ठीक है और जहाँ भी आप लोग सिल्वर देख रहे हैं सिल्वर पे वहाँ सिल्वर में कोई भी केसेस नहीं थे ठीक है तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आप लोग के पास कुछ भी ग्राफ आ जाए कुछ भी मैप आ जाए उसको एनालिसिस करना आप लोग को आना चाहिए ठीक है मैं बोलूँगी एनालिटिकल पैराग्राफ स्टोरी राइटिंग से बहुत ईजी है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पैराग्राफ लिखेंगे ठीक है सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज़ क्या होती है आप लोग लिखेंगे कि टू थाउजेंड में एक डिजीज़ आई थी जिसका नाम एक पैंडेमिक आया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड ठीक है जो कि वुहान में ओरिजिनेट हुआ था चाइना के एंड uh, इससे रिलेटेड आप लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भाई ऑलमोस्ट uh, uh, सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ये डिजीज़ धीरे धीरे फैल रही थी uh, इस तरीके से आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे ठीक है जो भी आप लोग को कोविड नाइन्टीन के बारे में पता है ठीक है सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग इस मैप का एनालिसिस करके लिखेंगे आप लोग सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे कि भाई इटली और ईरान के पास थाउजेंड से ज़्यादा केसेस थे ठीक है उसके बाद चाइना में केसेस सबसे ज़्यादा थे ठीक है उसके बाद आप लोग आ, लिखेंगे कि आ, साउथ कोरिया और जापान में भी केसेस जो है वो मोर देन थाउजेंड थे ठीक है नॉर्थ एशिया में वन टू वन से लेकर टेन तक केसेस थे इंडिया में भी ज़्यादा केसेस नहीं थे उस टाइम पे ठीक है ये किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब कि अगर मैं बात करूँ ये जो मैप है दिस इज़ ऑफ अराउंड अप्रैल ठीक है ये अराउंड अप्रैल नो नॉट अप्रैल दिस मैप इज़ अराउंड मार्च का मैप है तो मार्च स्टार्टिंग मार्च में इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे इंडिया में तो ये तब का मैप है ठीक है तो आप लोग लिखेंगे इंडिया में भी ज़्यादा केसेस नहीं है इंडिया में सिर्फ 11 टू हंड्रेड केसेज हैं इस तरीके से पूरा इसका एनालिसिस करके आप लोग सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे ठीक है अपने व्यू पॉइंट्स भी लिखेंगे सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में दैट तो इज आप लोग लिखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, ऐसी डिजीज़ है दिस इज़ अ आइसोलेशन डिजीज़ ठीक है ये बहुत जल्दी लोगों में फैलती है इसलिए जो केसेस इटली और ईरान में हैं ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ गए ठीक है इस तरीके से आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स लिखेंगे ठीक है उसके अलावा फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग कन्फ्लूजन लिखेंगे कि भाई इस डिजीज़ की वजह से आउट दी वर्ल्ड बहुत सारे रीजनस में लॉकडाउन हो गए ठीक है डिप्रेशन आ गया पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ थी वो डाउन हो गई क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कुछ काम नहीं हो पा रहा था इस डिजीज़ की वजह से इस तरीके से फोर्थ पैराग्राफ दैट इस कंक्लूजन में आप लोग ये लिख सकते हैं सो दैट इज़ इट मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से आप लोग को उसका आंसर देना है क्वेश्चन चार्ट के फॉर्म में लाइन ग्राफ के फॉर्म में रिपोर्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है ठीक है मैप uh, के फॉर्म में पूछा जा सकता है मैंने आप लोग को मैप का एग्ज़ाम्पल दिया लाइन ग्राफ का भी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया ठीक है मैंने आप लोग को ये पोल्यूशन uh, लेवल के लाइन ग्राफ का एग्ज़ैम्पल दिया कि चार पैराग्राफ में इसको कैसे डिवाइड करना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को लिखना है uh, कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत हार्मफुल होती है और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ठीक है इस तरीके से सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को मेन एनालिसिस लिखना होता है तो इसलिए सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ थोड़े से लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ और उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग को कंक्लूजन लिखना होता है ठीक है सो so, इस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालिटिकल पैराग्राफ में तो मैप uh, के क्वेश्चन का मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया लाइन ग्राफ के क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल दिया ठीक है सो so, uh, चार्ट और रिपोर्ट का एग्जाम्पल आज के वीडियो में मैंने नहीं दिया बट वो भी इसी तरीके से होते हैं इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक सेपरेट वीडियोज़ फॉर स्पेसिफिकली मैप स्पेसिफिकली चार्ट रिपोर्ट एंड लाइन ग्राफ प्लीज़ मैंशन इन दामेंट सेक्शन आई डोंट थिंक उसकी नीड होगी क्योंकि मैंने यू नो मेजर इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में दे दी एंड आप लोग को क्या करना है सिर्फ अगर आप लोग को चार्ट और रिपोर्ट के कई एग्जाम्पल्स मिले तो उसको सॉल्व करके बस उस पर एनालिसिस लिखना है ठीक है बाकी जो भी मार्किंग स्कीम थी वो सब मैंने आप लोग को आज के वीडियो में बता दी तो प्लीज़ मेक श्योर टू तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट मोर